बदायूं जिले के इस्लामनगर में घायल लाइनमैन की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव बिजली घर के सामने रखकर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने पर तुरंत जाम खुलवा दिया गया। एसडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि उदयपाल पुत्र परमेश्वर दयाल हाई टेंशन लाइन ठीक कर रहा था, उसी दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बुरी तरह से झुलसे उदयपाल को उपचार के लिए दिल्ली ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि परिजनों को समझा बुझाकर किसान दुर्घटना बीमा दिलाने का आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया गया। एक उदयपाल थे नाम के आदमी थे, जो कि नियर अबाउट 48 साल के थे। उनका डेथ हो गया था, उनको जब बिजली का वो लगा, करंट लगा, तो उनको सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कराया गया और दिल्ली में ही उनकी डेथ हो गई कल। जितने भी परिजन थे, उनके रिश्तेदारी जन थे, उन्होंने उनकी मिट्टी को इस्लामनगर रोड पर रखकर रोड जाम कर दिया तथा वो डिमांड करने लगे कि बिजली विभाग के एक्सियन अथवा एसटीओ आएं और उन्हें आवश्यक आश्वासन दें। कई बार मेरे द्वारा स्वयं ही एक्सियन बिजली को और एसटीओ विद्युत इस्लामनगर को फ़ोन किया गया, परंतु दुर्भाग्य से वहाँ पर कोई बिजली विभाग का कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुँचा। मृतक जनों के जो परिवारी जन थे, उनका मुख्य रूप से यही मांग था कि विद्युत विभाग की गलती से ऐसा हादसा हुआ है, ऐसी दशा में मृत्यु में कुछ भी अगर परिवार को सहायता दी जाती है तो ये अच्छा होगा।